आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए और वो काम बड़ी नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रूका जी का नाम लेकर दिया लगाकर जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं, अग्रण्य होगा। कोई सहज नाम नहीं है तुम रूका जी का, कौन है तुम रूका, जिसका व्याख्यान शिव महापुराण में बारंबार आता है, जिसकी भक्ति की श्रेष्ठता देवऋषि नारद से भी प्रबल मानी गई है। देवऋषि नारद को तो कई बार अभिमान आ गया, एक बार भगवान विष्णु के सामने जाकर कहते हैं कि मेरे बराबर नाम नहीं लेता कोई तुम्हारा, भगवान शंकर के सामने जाकर कहते हैं कि कामदेव को मैंने जीत लिया, ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं कि सृष्टि का निराकरण करना आपका काम है पर मैं सारी सृष्टि का भ्रमण कर लेता हूं एक क्षण में। जो देवऋषि नारद इंद्र के सामने जाकर कहते हैं कि तुम्हें सत्ता का आधिपत्य सताना जताना नहीं आता, आधिपत्य कैसे कहते हैं वो जानते नहीं हो आप, वो देवऋषि नारद जिनके भीतर भजन का बल तप साधना का अहंकार इतना ज्यादा हो गया था कि देवताओं को भी कई बार देवऋषि नारद को नीचा दिखाने के लिए बंदर का मुख लगाना पड़ा था अहंकार को छोड़ने के लिए।